डीडीए ने इस पर अपना बुलडोजर जो है वो चलाया और डीडीए का कहना है कि ये जो पूरे मकान बने गए हैं, अब ये तमाम जो मकान अगर आप देख रहे हैं तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मकान है। दो साल तीन साल हो गए इस जगह को बने हुए और अचानक हम रहते रहते अचानक से आपने आके बुलडोजर चला दिया और बच्चे छोटे छोटे बच्चे उन पर लाठी चार्ज कर दिया। लोगों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, लेडीज बच्चे। इन लोगों ने ये बोला कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट के पास गया कौन? हम 5000 लोग हैं, वो 5000 लोगों की तो सुने कोर्ट, किसी को तो बुलाया ही नहीं। आपने आपस में लड़े, आपस में जीते और आपस में आपने फैसला कर लिया। दिल्ली के महरौली इलाके में आज डीडीए का बुलडोजर चला और इस बुलडोजर में सैकड़ों यहां पर रहने वाले लोगों के जो आशियाने हैं वो मलबे में तब्दील हो गए। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली इलाके में। दरअसल ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ये दरअसल महरौली जो आर्कियोलॉजी पार्क की जमीन थी, जिसको ये बताया जा रहा है कि इस पर अनधिकृत तरीके से मकान जो है वो खड़े कर दिए गए और उसके बाद आज डीडीए ने इस पर अपना बुलडोजर जो है वो चलाया और डीडीए का कहना है कि ये जो पूरे मकान बने गए हैं वो पूरी तरीके से इनलीगल हैं। लेकिन यहाँ पर सालों से रह रहे लोगों का सवाल ये है कि आखिरकार जब ये मकान बन रहे थे, यहाँ पर मकानों की रजिस्ट्री हो रही थी, उस वक्त डीडीए और तमाम जो अधिकारी हैं वो कहाँ थे जब इन आशियानों को बसाया जा रहा था, इनके सपनों को बसाया जा रहा था और अब आज इनके सपने जिस तरीके से उजाड़े जा रहे हैं तो उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो कहाँ हैं। हमारे साथ कई सारे लोग हैं जिनका ये मकान यहाँ पर था, सालों से यहाँ पर रह रहे थे। ये बताइए कि आज डीडीए की जो कार्रवाई हुई है आपके मकानों पर भी हुई है? जी बिल्कुल। और आप रह रहे थे? ये हमें 2 साल हो गया रहते हुए और कल लेट नाइट हमें नोटिस मिली एंड सुबह सुबह ऐसा भी नहीं कि अगर डिमोलिशन स्टार्ट ही करते तो कोई एक पॉइंट से करते या फिर वो जो चर्च कॉम्प्लेक्स जो मेंशन था नोटिस में या फिर आप वहां से करते या फिर अंधेरिया मोड़ जो मेंशन था वहां से करते। ये तो हमारे बीच आप मिड पॉइंट पे आके आपने पूरा अचानक अटैक कर दिया। हमारा घर इतने सामान नए नए पड़े हुए, हम निकालने को जा रहे थे फिर भी हमें निकालने को नहीं दिया, हमको गेट से बाहर निकाल दिया उन्होंने। हमारा अभी नया जो सामान पड़ा हुआ है उसका देख लीजिए कितना नुकसान हुआ है, वो नहीं निकालने को दिया गया है। क्या बोले डीडीए के अधिकारी? क्या बोले डीडीए के अधिकारी? तो आई नहीं, पुलिस फोर्ड हाथ पे फिजिकल हो रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सामने बात करने को तैयार नहीं हो। हमारा यही कहना है कि आपने रजिस्ट्री किस बेस पे किया? आप हमसे रजिस्ट्री की टैक्स दे रहे हो, रेवेन्यू टैक्स दे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को तो गया होगा ना पैसा। एमसीडी के टैक्स हम भर रहे हैं उसका पैसा जाता है, बिजली बिल जाता है मंथली, हमारे नाम पे बिजली का मीटर है, ये सब पैसा जाता कहाँ है? अगर हम लोग अवैध हैं तो मतलब अवैध लोगों से आप पैसे ले लेके जी रहे हो, गवर्नमेंट का यही काम है ना। फिर दरअसल मैं आपको बता दूं कि पास ही में लड्डू सराय है जहाँ पे ये जमीन जो है वो बताया गया कि ये जमीन वहाँ की है, जबकि ये जो जमीन है वो डीडीए के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस के अंदर आती थी, लेकिन डीडीए अब चाहता है इस जमीन को पूरी तरीके से अपने पास जो है वो वापस लिया जाए। कोर्ट में ये मैटर गया और उसके बाद कोर्ट ने इस जमीन को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे लोगों का ये भी है कि जब ये मकान बन रहे थे, इनकी रजिस्ट्री हो रही थी, तब सरकारें क्यों नहीं जागी? क्योंकि ये पूरा मामला करप्शन का बड़ा मामला है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बिजली के बड़े बड़े खंभे, तारे, पानी के कनेक्शन सब आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब ये कनेक्शन दिए जा रहे थे उस वक्त डीडीए जैसा विभाग जो है वो आखिर क्यों सो रहा था? सवाल यही है ना सर? हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जो हुआ सो हुआ, हम डिपार्टमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ सकते। हम गरीब लोग छोटी छोटी पैसे इकट्ठा करके एक चंद आशियाना बनाया था इस उम्मीद में यहाँ रहेंगे मेहनत की कमाई से, लेकिन अब यहाँ पे चार डिपार्टमेंट में हमको दौड़ाया जा रहा है कि यार हॉर्टिकल्चर का है, ये एग्रीकल्चर का है, ये डीडीए का है। वी आर नेवर नो, वी नेवर नो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2 साल 3 साल हो गए इस जगह को बने हुए और अचानक हम रहते रहते अचानक से आपने आके बुलडोजर चला दिया और बच्चे छोटे छोटे बच्चे उन पर लाठी चार्ज कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज आप ये सोचिए G20 होने वाला है समिट, आप एक तरफ टर्की में पूरी फोर्स भेज रहे हैं, मदद दे रहे हैं, इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में मदद करने में आगे आता है दूसरे लोगों को, और यहाँ जो बसे हुए आशियाने हैं, जो बेचारे लोग रह रहे हैं मोहब्बत से सालों से, और उनको आप उजाड़ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पे G20 के नाम पे ये सरासर सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। बीजेपी वाले कहते हैं ये इसका आम आदमी पार्टी के कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी कर रहे हैं। को किसी को भी ये चीज नहीं दिखाई दे रही है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के खून पसीने की मेहनत से एक पैसे बचा करके लोग अपने जो यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहे हैं अपने घर नेटिव प्लेस से जमीनें बेच बेच के अपने घर खरीद रहे हैं और उनके साथ मजाक। मैंने खुद
लोगों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, लेडीज बच्चे घर। सिंपल सी बात बोलता हूँ, इन लोगों ने ये बोला कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट के पास गया कौन? हम 5000 लोग हैं, वो 5000 लोगों की तो सुने कोर्ट, किसी को तो बुलाया ही नहीं। आपने आपस में लड़े, आपस में जीते और आपस में आपने फैसला कर लिया। आपका फ्लैट में 5000 लोग हैं, आप उन 5000 लोगों से पूछिए कि क्या हुआ था। इंटैक ने आके आपके अगेंस्ट में केस किया और इंटैक जीत गया। किससे जीतना? मेरे घर के बाहर जाके कोई लड़ रहा है, अब अगले दिन आके मेरे को पुलिस वाला बोल रहा है आप आ जाओ, वो जीत गया। अरे जीत गया कौन, लड़ कौन रहा था पहले ये तो बताओ, तभी तो वो जीत गया। आप कैसे किसी को ये बता सकते हो कि सर आप हार गए हो और आपको अब खाली करना पड़ेगा? कितने का मकान आपने लिया? ठीक है, मेरा मकान तो इधर नहीं है, पीछे की तरफ है, बट फाइनली द ड्राइव इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, राइट। अब मैं भी डरा हुआ हूँ, आज इनका आंसू निकल रहा, कल हो सकता मेरे आंसू निकले, बट मेरा यही कोर्ट से और गवर्नमेंट से ही है, मेरे अगेंस्ट में लड़ा कौन पहले मुझे वो तो दिखाइए, कौन लड़ा है, मैं ताकि उससे लड़ू। जब 275 से जब ये चेन आ रही है अचानक से, ये मतलब कल को एक महीने पहले की ये डिमोलिशन होना है, तो इतने दिन से जो 30 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं वो इलीगली रह रहे हैं, तब से तब एमसीडी वाले डीडीए वाले को नहीं, थर्ड जनरेशन तक यहाँ पर रह रही हैं और उनके सारी चेन इनके पास है, रजिस्ट्री है। जब स्टैम्प ड्यूटी जब हम पे करते थे, स्टैम्प ड्यूटी किसके पास जाती थी? सेंटर के पास जाती थी। आज कोई कहता है सेंटर के ऑर्डर की वजह से हो रहा है, G20 समिट की वजह से ये चीजें हो रही है, ये चीजें पहले क्यों नहीं दिखाई दी थी? लोगों का गुस्सा है, आपको तस्वीरें और दिखाएंगे, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर डेमोलिशन हुआ उस वक्त लोगों का गुस्सा भी जो है वो सातवें आसमान पर था। जाहिर सी बात है जिसका वैशाना जिस तरीके से तोड़ा जाएगा तो उसका गुस्सा भी रहेगा, और लोगों के बीच भारी पुलिस बल का जो है फोर्स का इस्तेमाल भी जो है वो यहाँ पर हुआ। लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से, अब ये तमाम जो मकान अगर आप देख रहे हैं तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मकान है, लोगों के घर, लोगों का सामान जो उन्होंने अपनी जमा पूंजी से जो है वो बनाया था उसको पूरी तरीके से यहाँ पर डेमोलिशन जो है वो किया गया है। फिलहाल अब लोग चाहते हैं सरकारों से कि जो सरकारें लगातार वादे और तमाम तरीके के इनको आश्वासन देते हैं उनको जो है वो रोका जाए। यहाँ पर फिलहाल अभी फिलहाल देख सकते हैं कि लोग जो हैं परेशान हैं और लगातार यहाँ पर लोग जो है उस तरीके से परेशान जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं, और लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ संज्ञान जो है वो फिलहाल ले। कहना पसंद अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।